खरगोन जिले के सेगावा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रजगांव के अंतर्गत मालपुरा में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां कुछ दिनों से बाहरी लोगों की मौजूदगी में धर्म परिवर्तन संबंधित गतिविधियां हो रही थी, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसकी भनक लगते ही पुलिस और शिवसैनिक हरकत में आए। धर्मांतरण करने वाले कुछ संदेही लोगों की तलाश की जा रही है। सेगांव के समीप ग्राम मालपुरा रसगांव में 24 लोगों के धर्म परिवर्तन के वायरल हुए वीडियो को लेकर पूरे क्षेत्र में हलचल मची हुई है। धर्म परिवर्तन के मामले में सेगांव और उन पुलिस द्वारा एक संदिग्ध से पूछताछ करने की खबर है। वहीं इस मामले को लेकर उन थाने पर खरगोन एसपी सिद्धार्थ चौधरी, एडिशनल एसपी जितेंद्र पवार उन पहुंचे और उन्होंने उन पुलिस से मामले की विस्तृत जानकारी भी ली। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हरकत में आए और बुधवार को शिवसेना के जिला अध्यक्ष राजू शर्मा और गायत्री परिवार के परिजनों सहित सेगांव के भाजपा युवा मंडल के कार्यकर्ता पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि लालच में आकर धर्म परिवर्तन किया। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। धर्म परिवर्तन का है वो कई प्रभु तुम्हारा काम सही कर दे एक नाम का कहे कार्य के पूरा बता कि जैसे कि भाई तुम्हारे बच्चा ने पढ़ाई न प्रभु तुम्हारी मदद करेगा। तुम गरीब लोग से तुम कहीं से तुम्हारी उन्नति आगे हो जाएगा, प्रभु तुमका आशीष देगा, कृपा करेगा। नौकरी पैसा वैसा की लालच भी दी थी गई हो कहीं भाई तुमको आगे उन्नति हुई जाएगी तुम्हारी, प्रभु सब तुमका देगा आशीष। अच्छा तो कितना ने का करा दिया यहाँ पर आसो वो तो कहीं जैसा बाहर का जैसा सुनी सुनी ना होता गया तो साथ दस कई चक्कर 10-15 इकट्ठा हुआ, कई चक्कर 20-25 इकट्ठा हुआ, जैसा इकट्ठा हुआ कई नहीं बना रहे तो कई नहीं वो बत्ती डुबकी लगा दिया। और कई यहाँ के आसपास का लोग था कि बाहर से भी लोग बुलाया था? देखो वो जो डुबकी लगाने वालों बाहर का था, यहाँ का तो खाली बैठ रहे थे। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की सेगांव तहसील में धर्मांतरण का मामला आपके संज्ञान में आया, किस प्रकार आपने यहाँ पर आकर धर्मांतरण को वापस पुनः उनकी घर वापसी कराई? हम लोगों ने कल खरगोन में वीडियो देखा जो ग्राम रसगांव का था, और उसमें वीडियो में पास्टर द्वारा अरुणाचल प्रदेश से आया हुआ था, उसने खुलेआम रूप से उसमें पूरा वीडियो बना के वायरल किया कि हम लोगों ने ग्राम रसगांव में आके और इतने 22 लोगों का धर्मांतरण करा है 32वें का कार्यक्रम का। जैसे ही हम लोगों को ये कल वीडियो देखा, वैसे ही खरगोन शिवसेना जिला खरगोन के माध्यम से हम लोगों ने कल ही यहाँ पे यहाँ के जो सरपंच है रसगांव के भगवान भाई, उनसे मैंने संपर्क किया और उनसे उनको पूरी बात बताई कि ऐसा अगर हो गया है तो हम लोग उनसे आते हैं। भगवान भाई ने उनसे लगातार बातचीत जारी रखी और गांव वालों से उनने जब बातचीत करी तो उनने गांव वालों ने ये बताया कि हमको गलती से उन लोगों ने अपने धर्म में प्रवेश करा लिया था। आज हम खरगोन शिवसेना के माध्यम से ये ग्राम रसगांव में आए हुए हैं और जितने लोगों का धर्मांतरण हुआ था 22 लोगों का, उन 22 लोगों का हमने पुनः गायत्री परिवार के माध्यम से उनके पैर वगैरह धुलवा के और उनको मंत्रोपचार के साथ वापस पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करवा लिया है और उन लोगों से संकल्प दिला दिया है कि आज के बाद हम हिंदू धर्म छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हम लोगों को गलती से हम लोगों ने धर्मांतरण हो गया था, हम उनको उस चीज़ का कुछ भी ज्ञात नहीं था और अनजाने में ऐसी भूल हो गई थी। हमको सवेरे के भूले हम वापस शाम को घर वापस आ गए हैं और अब हम हमेशा हिंदू धर्म में ही रहेंगे। अभी ये जिस प्रकार का धर्मांतरण कराया गया है, पुलिस प्रशासन द्वारा या प्रशासन के द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई की आप आशा रखते हो? जो भी अब तो पूरा कानून बन गया है मध्य प्रदेश और पूरे देश में कानून बन गया कि कोई भी किसी का धर्मांतरण नहीं करा सकता है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता पड़ा है कि पुलिस द्वारा 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और यहाँ से जाने के बाद हम पुनः एसपी साहब के पास जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे जो भी लोग इसमें लिप्त है और जो भी इस क्षेत्र में धर्मांतरण का कार्य कर रहे हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। राजू शर्मा, शिवसेना जिला अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।